आज आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ आवश्यक बैठक श्रीराम सिंह नेताजी ने अपने बदरप कार्यालय पर बुलाई। बैठक का उद्देश्य ये था कि महंगाई को लेकर जनता बहुत परेशान है और बहुत परेशानी का सामना कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 7 मार्च को बदरप विधानसभा में विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें सभी बदरप विधानसभा के लोग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, जो ये महंगाई बढ़ी है, जो हमारी गैस के पैसे बढ़े हैं, गैस सिलेंडर पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, और उससे तमाम चीज़ें और महंगी हो गई। उस मामले को लेकर कि भाई ये जो महंगाई बढ़ रही है, सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है, क्योंकि गरीब लोग पहले लॉकडाउन की वजह से पहले ही परेशान थे, नोटबंदी से परेशान थे, और अब ये महंगाई आ गई। अब महंगाई से गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, उसकी कमर टूट गई है। इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई है और हम 7 तारीख को जैतपुर से चलेंगे, 3 नंबर गेट तक आएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस महंगाई को वापस लें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस कारपोरेशन में इसने पूरी दिल्ली को लूट लिया है। बीजेपी के जो काउंसलर हैं उन्होंने पूरी दिल्ली लूट ली, सबके सामने है। लोगों के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं है, कर्मचारी को वेतन के पैसे नहीं है, और यही कारण है दिल्ली के लोगों ने फैसला कर लिया है। दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया, बीजेपी का एक उम्मीदवार दिल्ली में नहीं जीतेगा। आम आदमी पार्टी की तीनों नगर निगम में सरकार बनेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। दिल्ली सरकार ने नेताजी गुजरात में जो एक आपको सिस्टम दिखाया है, जो पहली बार चुनाव लड़ी और जो भूमिका दिखाई है, क्या MCT में क्या खेल रहेगा इस बार? असली जब झूठे को कहीं सारे लोगों को पता लगता है, उस गुजरात में अभी झूठ का पता नहीं चला, इसलिए वो लोग भ्रम में हैं। दिल्ली के लोगों को झूठ का पता लग गया, दिल्ली के लोग समझदार हैं, उन्होंने समझ लिया कि इस बीजेपी ने 15 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, ये लूट कर खा गए सारे नगर निगम को। इसलिए दिल्ली के लोगों ने फैसला कर लिया है, आने वाले चुनाव में नगर निगम के में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, ये लिख लो कागज पे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, अभी शालीमार बाग में जो चुनाव हुआ है वो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ बीजेपी हारी है। अब क्या हम इनको हराएंगे, गढ़ को तोड़ेंगे? जो जनता को इन्होंने झूठ फैलाया है, जब जनता के सामने महंगाई ले जाएंगे, जनता के सामने जो इन्होंने देश को बेका है वो लोगों को जानकारी देंगे, देश कहाँ पहुँच गया जब वो जानकारी देंगे, तो लोग हमारे साथ लगेंगे। आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी जो खानदान उसका उल्टा शुरू हो गया है? बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आज भारत का नागरिक जाग गया है, ये वो भारत के बहादुर साथी है जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया। जो नहर का रोड बन रहा है, यूपी गवर्नमेंट बना रही है, वो बल्लमगढ़ तक रोड है, जहाँ तक वो रोड बल्लमगढ़ तक बन रहा है, दीवार ही बल्लमगढ़ तक हो रही है। इसने उस गाड़ी को बुला के उसका भी उद्घाटन कर रहा है। तो साथियों, सब आप लोग जानते हैं इसकी आदत को, इसका काम है, काम कुछ करता नहीं है, इसका काम है लूट और खसोट। जोर शोर से जो मुद्दा उठाया महंगाई का, चौधरी राम सिंह नेताजी द्वारा उठाया गया जी, आज ये चर्चा में है, इसलिए हम सबको मिलकर के देखिए जी, शक्ति बढ़ती है, हमको नेताजी की शक्ति बढ़ानी है मिलकर के सबकी। देखो, हमारी लड़ाई लड़ने वाले यही है, इन लुटेरों से बचाने वाले भी यही है हमको। तो इसलिए जो 7 तारीख को जैसे भी नेताजी बताएंगे, हम सबको मिलकर के बहुत जबरदस्त ये आक्रोश निकालना है महंगाई का। राम सिंह नेताजी कार्यालय, आप सभी का, मात्र शक्ति बड़े बड़े बुजुर्ग साथी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप एक छोटे से नोटिस पे नेताजी के दफ्तर पे हाजिर हुए। और आप सभी का इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग राम सिंह नेताजी की पावर हो, शक्ति हो। राम सिंह नेताजी आप में से पड़े हैं और आप में राम सिंह नेताजी में से पड़े हैं। देखिए, संजीव भाई ने भी बहुत अच्छी बात बताई झूठे रेगिस्तान की। इस व्यक्ति का काम है झूठ बोलना, झूठ बोल के पब्लिक को बगलाना और पब्लिक को घुमाना। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, अभी हाल फिलहाल में मैंने अपने गुरु राम सिंह नेताजी के आशीर्वाद से, नेताजी के साथ मिलकर बदरपुर गांव के मौजूदा लोगों के साथ मिलकर बरात घर का एक उद्घाटन किया, नवीकरण का। हमने 27 तारीख को उद्घाटन किया, झूठिया रेगिस्तान, झूठी मेयर को लेके झूठा नारियल फोड़ने के लिए 28 तारीख को एक झूठा ड्रामा करने के लिए इस बरात घर में आ जाता है।
व्यक्ति की इतनी खिचालत हुई है पूरी विधानसभा में कि जिस कार्यक्रम का उद्घाटन राम सिंह नेताजी ने तरवन ने गांव के लोगों ने मिलकर कर दिया, यहां पर आपको झूठा नारियल फोड़ने की जरूरत क्या थी। देखिए जब तक हम आगे नहीं आएंगे अपने दर्द की दवाई लेने के लिए, जब तक हमें कोई दवाई नहीं मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि हम सब आगे बढ़े तो इसके लिए आप सबको नेताजी का साथ देना पड़ेगा। एक बार सभी साथी नेताजी के लिए ताली बजा दीजिए। उनके नेतृत्व में हम गए और जहां पे हमारे जिस मंडल में हमारी ड्यूटी लगी, मैं नेताजी को बताना चाहता हूँ, वो मंडल सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हैं।